ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चर्चा हो रही है हरियाणा सरकार के पेश होने वाले बजट को लेकर कि आज मनोहर पिटारे से जो है जनता के लिए क्या निकलने वाला है। गुरुग्राम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज दोहान हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, जरा बताएं कि आज गुरुग्राम जो है किस उम्मीद के साथ जगह है, 11 बजे जो है मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ना शुरू कर देंगे, जरा बताएं कि लोगों की उम्मीदें इस बजट से कितनी है। देखिए कायनात, अगर बात की जाए तो हरियाणा बजट की, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो पिटारा खुलेगा, काफी उम्मीदें हैं गुरुग्राम वासियों को, हरियाणा वासियों को, कि अब की बार जो बजट है वो बिल्कुल खास होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है, उसको चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अब की बार जो बजट है वो बिल्कुल खास देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो शिक्षा, चिकित्सा और कृषि यानी अहम, और यहाँ पर जो बेरोजगारी है, मतलब पूरी चीजों को लेकर, पूरी सभी चीजों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री आज देखने वाले हैं। लोगों में काफी उम्मीदें हैं कि अब की बार मनोहर सरकार कुछ अलग पेश करेगी, यानी महिलाओं की अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, महिला की किचन की बात की जाए, तो तमाम वो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं गुरुग्राम वासियों को, जनता को, कि अब की बार मनोहर सरकार का कुछ पिटारा कुछ अलग खुलेगा, कुछ खास होगा गुरुग्राम वासियों को, कुछ खास मिलेगा हरियाणा वासी, कुछ खास मिलेगा। खासकर हरियाणा सरकार की फोकस रहा है कि जो बजट पेश होता है, चाहे पहले शिक्षा की बात की जाए, 20,000 करोड़ से ज्यादा पहले बजट पेश हुआ था, उससे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। गुरुग्राम के हिस्से में कितना कुछ उम्मीदें आएंगी, हालांकि इतना जरूर है कि सभी को उम्मीदें हैं, चाहे किसान की बात की जाए, किसानों को लेकर भी हरियाणा सरकार साथ लेकर चल रही है, और यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं की जो आज के दौर में जो महिला आगे बढ़ रही हैं, तो खासकर आज कुछ उम्मीदें ज्यादा ही दिखती नजर आ रही हैं गुरुग्राम वासियों को, कि आज 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो पिटारा है उसमें क्या कुछ खास निकलने वाला, काफी उम्मीदें हैं, काफी जिज्ञासा लोगों में कि आज वो बेचैन होके ये देखें कि हरियाणा में किस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, हालांकि बजट में क्या क्या होगा, काफी उम्मीदें हैं हरियाणा सरकार से। आपकी बात का ना बिल्कुल सूरज, यहाँ पर अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, कृषि के क्षेत्र की बात कर लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो हर एक सेक्टर जो है सरकार से उम्मीद बांधे बैठा हुआ है। आम वर्ग जो है वो भी यहाँ पर सरकार से राहत चाहता है। महंगाई का मुद्दा पिछले दिनों जिस तरीके से गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था, और रोजगार पर भी हमेशा विपक्ष सरकार को घेरता रहा है, तो इन तमाम जो शिकायतें हैं और मांगे हैं और इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने की जो कवायद है उसमें सरकार क्या कर सकती है इस बजट माध्यम से? देखिए बिल्कुल कायनात, अलग अलग क्षेत्र की बात हम लेके चले, पहले हम शिक्षा के क्षेत्र की बात लेके चले। आज के जमाने में, आज के युग में, आज के जनरेशन में शिक्षा का अहम महत्व है, और लगातार उम्मीदें रही रहती है कि अब की बार कुछ अलग देखने को मिले। अगर गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में भी 2 यूनिवर्सिटियां हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी है, दूसरी यूनिवर्सिटी भी है। अरे ये चाहते हैं हरियाणा सरकार की कोई भी बच्चा बाहर पढ़ने ना जाए, सभी कोर्स इसी यूनिवर्सिटियों में और इसी हब में मिले। हालांकि इतना दूर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो काफी उम्मीदें हैं, जहां पर हरियाणा सरकार ने ये मुहिम लगाई करी थी कि 75% जो आरक्षण हरियाणा वासियों को मिलेगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि सरकारी सेक्टरों में जो लगातार ये उम्मीदें थी कि बच्चों को नौकरियां मिले, तो अगर प्राइवेट फील्ड को भी साथ लेकर चलेंगे तो जो युवा हैं, जो बेरोजगार घूमते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आवाज उठाता रहा कि इस सरकार में रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इसको भी खास देखा अब की बार जा सकता है। अगर कृषि की बात की जाए कायना, तो जो किसानों की मंडियों की दिक्कत होती थी, आने जाने दिक्कत होती थी, उसमें कुछ खास रहने वाला है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो और सेक्टर की बात की जाए, कच्ची कॉलोनियां हैं, और जिस तरह से जो डेवलपमेंट है गुड़गांव का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जा सकता है, कच्ची सड़कें हैं और उसमें पानी की निकासी कैसे, यानी पूरी चीजें यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर ही बजट में देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और खासकर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, जो महिला थाने खोले गए थे उसके साथ चलते हुए जो बढ़ती महंगाई को लेकर एक महान मुद्दा है कि छोटी छोटी चीजें वो महंगी हो गई हैं, क्या कुछ आज कुछ बदलाव हो सकता है, खास हो सकता है, क्योंकि हरियाणा वासियों का आज अहम दिन है कि आज 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री उस पिटारे में क्या कुछ हरियाणा वासियों को सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ खास होगा कायनात। सूरज, अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम अलग ही एक जो
सिनारियो है वो पेश करता है, पूरे प्रदेश को एक अलग तरीके से जो है वो दिखाता है। एक काफ़ी डेवलप सिटी के तौर पर गुरुग्राम को देखा जाता है, हालांकि अपनी कुछ वहां पर भी कह सकते हैं कि बुनियादी समस्याएं हैं, विकास हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको दूर करने के लिए आज भी मांग जो है वो उठती रही है। तो ऐसे में अगर यहाँ रहने वाले लोगों की बात करें तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को, बुनियादी मांगों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सरकार कहाँ तक पूरा करने में उन्हें कामयाब रही है? देखिए बिल्कुल, अगर कायनात गुरुग्राम वासियों की बात की जाए तो आपको बता दें कि जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और गुरुग्राम छोटी राजधानी मानी जा रही है, क्योंकि और एक हरियाणा एक तरफ और गुरुग्राम में जितनी रेवेन्यू पार्ट गुरुग्राम से आता है, साथ हरियाणा में कहीं नहीं आता। गुरुग्राम और फरीदाबाद उसमें शामिल है। अगर गुरुग्राम के बाद साथ जो नया नगर निगम बना है, मानेसर बना है, करीब 2 साल हो गए हैं कायनात उसमें, लेकिन तो अभी आगामी चुनाव का बिल्कुल कभी बढ़ सकता है, यानी तैयारियां पूरी जरूर कर ली गई हैं। लेकिन खासकर उम्मीदें इसलिए हैं, जो जो ग्रामीण क्षेत्र है जो गुरुग्राम नगर निगम में शामिल हुआ था, यानी उनके विकास कार्य बिल्कुल थमे गए हैं 2 साल से। जो वहां के ग्रामीण है, जो गांव, जो रकबा, जो क्षेत्र है नगर निगम में शामिल हुआ है, चाहे उन नगर निगम मानेसर में बात की जाए, गुरुग्राम नगर निगम में बात की जाए, तो वहां पे त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि ना तो वहां पर कोई विकास कार्य हो रहा, अगर किसी ने कोई भी ना यहाँ पर शिविर है, अगर ना ही वो सफाई कर्मचारी है, क्योंकि जब पंचायत का क्षेत्र था, पंचायत का एरिया आता था, तो वहां पे सरपंच ने जो सफाई कर्मचारी लगाए हुए थे, तो वहां पर अपनी एक नई शुरुआत के तहत वहां पर जो उसकी आमदनी थी, उसकी तनख्वाह थी, सरकारी खाते जाती थी, लेकिन पूरा रकबा है, पूरी उस गांव की रेवेन्यू है और नगर निगम में शामिल हो गई है, इससे कि वहां पर विकास कार्य कैसे किया जाए। कच्ची जो सड़कें हैं, जैसे ही 2 साल पहले विकास थमा था, जब शामिल होने के बावजूद वो विकास वैसे के वैसे थम गया है। लोगों की आवाज उठने लग गई है कि हमारे गांव को, हमारे कस्बे को, हमारे रकबे को वापस किया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार की ये तर्ज रही है कायनात की गांव को भी और आसपास के लगे हुए जो गुड़गांव लगे हुए शहरी क्षेत्र में मिलाकर उसको शहर की तर्ज बनाया जाए, लेकिन वहां पे सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और तो और वहां पर जो आवारा पशु है कायनात वो घूम रहे हैं, जो ठीक है। वैसे तो गौशाला खोली गई है, यानी लोग वहां काफी परेशान है। लोगों का भी उम्मीदें हैं कि जल्द आगामी चुनाव हो गए तो शायद हमारा जो क्षेत्र जो शामिल किया था नगर निगम में, हमारे क्षेत्र का, हमारे वार्डों का विकास होगा। काफी उम्मीदें अब की बार लगाए हुए हैं, क्योंकि ठीक करीब है। 48-49 गांव है, क्योंकि मानेसर नया नगर बना दिया गया है, क्योंकि हरियाणा का 11वां नगर निगम मानेसर को बना गया है, तो उसके साथ साथ गुड़गांव के लगा हुआ जो भोंसी का रकबा है, भोंसी मारुति कुंज है, नया गांव है, काफी उम्मीदें वहां के लोगों, क्योंकि आबादी क्षेत्र बढ़ गया है और दूर से भी चाहे प्रवासी है, पूर्वांचल है, तो वो गुरुग्राम वहां के कर जो आकर ग्रामीण बस गए क्षेत्र हैं। है उन्हें अभी आस उम्मीद है कि यहाँ जी पर विकास के लिए सरकार जो है जरूर ध्यान देगी, और जो छोटी सरकारें हैं वो जब वजूद में आएंगी तो उसके बाद जो है विकास का पहिया तेजी से आगे घूमेगा।